तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अडेनियम प्लांट्स जो भी नए आए हुए हैं मेरी नर्सरी में, वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। और व्हाट्सएप नंबर ये मेंशन किया हुआ है, इसी से आप देख के ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हो। और ये सारे प्लांट्स हैं और सभी काफ़ी मैच्योर हमेशा के तरीके से हेल्दी प्लांट्स हैं। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है रोज़, और रोज़ का यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनके ग्राफ्स हैं, यहाँ पर पॉडेक्स हैं। तो रोज़ के दो प्लांट्स अवेलेबल हैं। फिर नेक्स्ट जो पिछली बार बहुत ज़्यादा डिमांड में रहा था वो है ये पिंक लेडी, और पिंक लेडी के प्लांट्स आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। ये सारे इनके पॉडेक्स हैं, यहाँ पर इनके ग्राफ्स हैं। और रेफरेंस के लिए मैं इमेज अटैच करती चलूँगी, तो आप लोग चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट है D180, और D180 भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर शेड होता है, येलो का शेड होता है, और ये पिछली बार भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था, इस बार भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके दो प्लांट्स अवेलेबल हैं। फिर नेक्स्ट है 127, और 127 में दो प्लांट्स अवेलेबल हैं, और इस एक प्लांट में यहाँ पर दो ग्राफ्ट हैं और इसमें यहाँ पर एक ग्राफ्ट है। और प्लांट्स आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और हेल्दी प्लांट्स हैं। और रेफरेंस के लिए मैं इमेज अटैच कर दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट है D223, और D223 भी बहुत ही प्यारा सा शेड होता है, और ये देख सकते हो ये इनके कॉडेक्स काफ़ी बढ़िया हैं, मैच्योर प्लांट्स हैं सारे के सारे, और ये इनके ग्राफ्स हैं। और इमेज रेफरेंस के लिए मैं अटैच कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट है D116, और D116 भी बहुत ही प्यारा सा शेड होता है, और इसके दो प्लांट्स मुझे मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर प्लांट्स हैं ये भी, और इनका प्राइस भी सेम ही है, 260 रुपीज़। फिर नेक्स्ट है D110, और D110 के भी दो प्लांट्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे इनके ग्राफ्स हैं और ये इनके कॉडेक्स, ये भी काफ़ी अच्छे शेड के होते हैं। फिर नेक्स्ट है D111, और इसके प्लांट भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर प्लांट्स हैं, और इसके दोनों प्लांट्स में दो दो ग्राफ्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो दो स्टेम्स हैं और दो ग्राफ्ट हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है 207, और 207 के भी दो प्लांट्स अवेलेबल हैं। रेफरेंस के लिए मैं इमेज अटैच कर दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट है 206, और 206 भी काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं, और इनका भी कलर बहुत ही प्यारा सा होता है। तो 206 नंबर है ये, और इसके दो प्लांट्स अवेलेबल हैं। फिर नेक्स्ट है D213, और D213 के भी दो प्लांट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनके ग्राफ्स हैं, यहाँ पर कॉडेक्स है, और ये भी काफ़ी अच्छे प्लांट्स हैं हेल्दी, D213। फिर नेक्स्ट है 152 भी काफ़ी बढ़िया प्लांट्स हैं, हेल्दी हैं, और इनका भी कलर बहुत प्यारा सा होता है। रेफरेंस के लिए मैं इमेज अटैच कर लूँगी, आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट जो कलर है वो भी एक येलो का शेड है, फ्लेम बॉय, और बहुत ही सुंदर इसका कलर होता है। पिछली बार ये बहुत ज़्यादा डिमांड में थे और दो बार आउट ऑफ स्टॉक हुए थे, और अभी भी दो प्लांट्स ही हैं, और काफ़ी अच्छे मैच्योर प्लांट्स हैं ये। फिर नेक्स्ट है 102 भी बहुत ही प्यारा सा शेड होता है, और इसकी भी रेफरेंस के लिए मैं इमेज अटैच कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट है D221 के भी दो प्लांट्स अवेलेबल हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉडेक्स इनके, और यहाँ पर इनके ग्राफ्स हैं। फिर नेक्स्ट है बेबी, और बेबी के भी दो प्लांट्स अवेलेबल हैं। बेबी सिंगल पेटल में होता है, येलो कलर इसका होता है, और सिंगल पेटल कुछ लोगों को पसंद होते हैं, कुछ लोगों को रोजी वेराइटीज पसंद होते हैं। खैर जो भी है, रेफरेंस के लिए मैं इमेज अटैच कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट है D220 भी बहुत ही प्यारा सा शेड होता है, और इसकी भी रेफरेंस के लिए मैं इमेज अटैच कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। प्राइस सेम ही है सभी प्लांट्स का, 260 रुपीज़ ईच प्लांट है। फिर नेक्स्ट है 143 रेड या फिर मरून का कह सकते हो आप एक शेड होता है, ये भी रोज़ी वेराइटी होता है, और बिल्कुल रोज़ की तरीके से इसके फ्लावर्स आते हैं। और रेफरेंस के लिए मैं फिर भी इमेज अटैच करती चल रही हूँ, तो आप लोग चेक कर लेना।
फिर नेक्स्ट है 197, 197 के भी दो प्लांट्स अवेलेबल हैं और ये भी बहुत ही प्यारा सा शेड होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्लांट है ये भी। फिर नेक्स्ट है 128, 128 का यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर प्रोडक्ट्स हैं और इधर यहाँ पे इनके ग्राफ्स हैं और इसके भी दो प्लांट्स अवेलेबल हैं। फिर नेक्स्ट है 126 और 126 का भी दो प्लांट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है 2A और 2A भी पिछली बार बहुत ज़्यादा डिमांड में था और इसके भी दो प्लांट्स अवेलेबल हैं। फिर नेक्स्ट है D36 भी रोज़ी वैरायटी का होता है और बहुत ही प्यारा सा शेड होता है इसका। रेफरेंस के लिए मैं इमेज अटैच कर दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट है S213 और इसमें दोनों प्लांट्स में जो है दो दो ब्रांचेस में दोनों में ग्राफ्ट हैं, इस वाले में भी और इस वाले में दो दो ग्राफ्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ग्राफ्ट और एक इधर जा रहा है, इसी तरीके से इसका एक ये और एक पीछे। फिर नेक्स्ट है 203 और 203 के भी दो प्लांट्स अवेलेबल हैं। फिर नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हो ये जो बंच है पूरा, ये सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है 179 जो कि येलो डबल पेटल में रोज़ी वेराइटी का है और इसके टोटल 10 प्लांट्स अवेलेबल है क्योंकि ये पिछली बार 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 आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ये वाला नंबर के प्लांट्स जो है अवेलेबल हैं। तो इसके 10 प्लांट्स हैं और सभी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हेल्दी प्लांट्स हैं। फिर नेक्स्ट है 157 और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट अवेलेबल है। तो ये तो थे अडेनियम प्लांट्स। अभी जो ये मैं प्लांट दिखा रही हूँ ये है बुद्धा वैली जेट्रोपा और इस तरीके के टोटल 4 प्लांट्स अवेलेबल हैं। ये सेकेंड टाइम स्टॉक में आया, इससे पहले आए थे थोड़े छोटे साइज़ के प्लांट थे वो सारे सोल्ड आउट हो गए थे और फिर ये 4 प्लांट्स मैंने फिर से अरेंज कर लिए हैं और ये सभी जो है अराउंड 6 ईयर्स ओल्ड प्लांट्स हैं और सबका कॉडेक्स आप देख सकते हो। इनका जो प्राइस है वो है 550 रुपीज़ ईच प्लांट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लांट्स भी अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।